हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन में बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन से पार्ट 10 लेकर के। इससे पहले हमने 9 पार्ट में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए हैं और साथ ही कुछ थ्योरम्स को भी प्रूव किया है। उनमें से एक थ्योरम जो हमने कराई है गॉस थ्योरम, उसका यूज जो है इन न्यूमेरिकल में यूज होना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्पेशली क्या समझना है कि किस प्रकार से, ये तो रहे 3 क्वेश्चंस। अब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस से यही आ जाए, वो आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, लेकिन आपको मेन जो आपको बेस तैयार करना, किस प्रकार से हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाए जाते हैं। बस हमारा तो यही रहता है कि कम से कम ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएँ जिसके चांस रहते हैं, और ये क्वेश्चंस जो है आने के चांसेस ही हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप देखेंगे किस प्रकार से, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बस आपको, ठीक है। और इनको तो फिर आप बनने लगेगा, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये तो आप बन ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रूफ डेट हमें सिद्ध करना है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे बन आ गया, और बन के लिए मैंने गॉस थ्योरम अप्लाई की कराई थी, आप गॉस थ्योरम का प्रूफ कराया था। यदि वो आपने नहीं देखा है तो आपको आई वाले बटन पर उस थ्योरम्स का वीडियो जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, इस क्वेश्चंस को भी हम जो है प्रूव करेंगे। इस क्वेश्चंस को दूसरा नाम दिया जाता है कुमार थ्योरम्स, तो ये भी महत्वपूर्ण थ्योरम है, ठीक है। और साथ ही हमारा जो तीसरा है, इसमें आप देख ही रहे होंगे, इफ़ एन इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड वी ग्रेटर 0, ये कंडीशन होना अनिवार्य है, क्योंकि यदि ये जो कंडीशन एन के नेगेटिव में बी का मान चला जाएगा तो ये जो आपका फैक्टोरियल होता है वो माइनस में डिफाइंड नहीं होता है। इस वजह से उन्होंने ये कंडीशन भी अप्लाई कर दी है। ये वीडियो ऑलरेडी कल ही आ जाती है, लेकिन मुझे इस क्वेश्चंस पर जो है काफ़ी डिस्कस है उस पर करना पड़ा सुधार, क्योंकि इस क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस हमें भेजा था एक स्टूडेंट ने, तो उसमें आपको बुक का ही भेजा था, उसमें आपको स्टेटमेंट इस प्रकार से प्रूव करा रहा था, बीटा सपेक्स एन, यहाँ पर बी सपेक्स 2n शो करा रहा था। तो फिर मैंने देखा कि आपका ये बेटर है, और ये जो आपका था वो किताब की मिस्टेक थी, यानी बुक में जो है प्रिंटिंग मिस प्रिंट की वजह से ऐसा हो गया होता है ना। तो कई कुछ क्वेश्चंस हो जाता है ऐसा। मैं आपको इन दोनों में कंपेयरिंग करा करके अंतर बता दूंगा कि कौन पॉसिबल कौन इम्पॉसिबल। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ, अब देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व कराते हैं। अब देखिए यहाँ पर बन आ गया, बन आ गया तो यानी कि आपको क्या करना है, गॉस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, बस कुछ नहीं देखना है, देखेंगे गॉस थ्योरम। तो हमारा ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको तरीके समझना है यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर बन आ गया तो यानी गॉस थ्योरम लगना है, ये आपको ये बात पता चल गई। और हमेशा आपको इसमें जो पोछामर सिंबल को हमेशा याद रखना, क्योंकि वही हमारा बेस है। यदि पोछामर सिंबल आपने अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से समझ लिए, अच्छे से याद रख लिए, तो जो क्वेश्चन से काफ़ी हद तक आप जो क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे किस प्रकार से लगाना है। तो आपको नोट में क्या करना है, इसमें जो यूज होना है वो आपको क्या यूज होगा, यानी कि एल्फा सपेक्स एन का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, वो क्या होता है, गामा एल्फा प्लस यहाँ पर होता है एन डिवाइड में गामा एल्फा, ये फॉर्मूला होता है। और साथ ही आपको एक पोछामा सिंबल मैंने ये भी बताया था फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला भी खोल कर बताया था। तो एल्फा सपेक्स एन का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, एल्फा एल्फा प्लस वन डॉट डॉट यहाँ से किया जा होता है एल्फा प्लस एन माइनस वन, यानी कि जो हमारे यहाँ सफिक्स में होता है वहाँ पर एन माइनस वन होता है, ठीक है। तो ये दो दो फॉर्मूले तो आपको याद रखना ही है, साथ में गॉस का भी फॉर्मूला याद रखिए आप, क्योंकि गॉस थ्योरम पर आधारित ये क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। तो एक बात ये, और आपने गॉस थ्योरम का यूज करके भी इसको लगा सकते हो, जो जनरल मेथड हमने गॉस थ्योरम में बताया उसके अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं आप। खाली वहाँ पर जो आप रखा वहाँ पर जो था वो एल्फा बीटा गामा था, यहाँ पर एल्फा बीटा गामा की वैल्यू जो है कुछ बदल गई है, बस अंतर वही है। और लगाना आपको जैसा गॉस थ्योरम का लगाया वैसा आप इन जनरल भी लगा सकते हैं, लेकिन हम जो है इसमें बन दिखाई दे दिए तो हम क्या करेंगे, गॉस थे फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो हम लिख देंगे वाई, इसके दो तरीके बताऊंगा आपको, जो सुइटेबल लगे आप सीख लीजिए, ठीक है। गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम क्या होती है, एफ, और मैंने इसका भी तो मतलब बताया कि 2 1 क्यों लिखा जाता है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एफ, चाहे सीधे इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए या फिर उसको कन्वर्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गामा यहाँ से बन बराबर
इसका मतलब होता है कि जो दो हमारे पैरामीटर रहेंगे ये और ये ऊपर जाएंगे, और जो यहाँ बाद में होता है वो नीचे जाएगा, इसका मेन मतलब यही होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम, तो क्या होती है, गामा 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 माइनस बीटा माइनस एल्फा डिवाइड में गामा गामा माइनस एल्फा गामा माइनस बीटा, तो ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका एल्फा की जगह पे क्या है, माइनस एन है, बीटा की जगह पे इतना है और गामा की जगह पे एल्फा है। ये सभी मान जो हैं इसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्मूले में सब्सिट्यूट करेंगे, फिर देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर देखेंगे एफ 21 लिख दीजिए, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का एन 1 माइनस बीटा माइनस एन, और यहाँ पर एल्फा 1, और यहाँ से आपका बन जाएगा गामा एल्फा, एल्फा प्लस एन नहीं बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग, कहाँ गया फॉर्मूला आपका, ये गामा में से इसको घटा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला इसमें मान रखेंगे जी, तो क्या आ जाएगा देखेंगे कितना आता है, एल्फा माइनस 1 प्लस का बीटा प्लस का एन माइनस प्लस का एन, और इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा एल्फा माइनस 1 प्लस का बीटा प्लस का एन। ठीक है, तो जी इतना आ गया। अब आपको प्रूफ क्या करना है वो समझिए, प्रूफ में आपको ये लाना, यानी कि ये देख रहे हैं कॉमन है दोनों में, खाली 2n जो n का ही खेल है, यहाँ पर n है यहाँ पर 2n है। ठीक है, तो ये तो आपका यहाँ पर a है, ठीक है, क्या था यहाँ पर एल्फा प्लस एन है, ठीक सही लिख रहा था, ये यहाँ पर एल्फा प्लस एन, तो ये तो आपका फॉर्मूला बन गया तुरंत एल्फा सपेक्स एन का जो अभी हमने लिखा है। तो बस एक तरीका आपका जो है पोछाम्बा सिंबल का ही प्रूफ के द्वारा ही इसको प्रूफ आसानी से कर सकते हैं। कैसे, अभी आपने जानते हैं ये फॉर्मूला, सेंस चूंकि हम जानते हैं बाय एल्फा सपेक्स एन बराबर क्या होता है, गामा एल्फा प्लस एन डिवाइड में गामा एल्फा, इसके लिए फॉर्मूला क्या खुल जाएगा, यहाँ पर ये 2n आप साथ में ले लेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला इसके लिए आप अप्लाई कर देंगे, तो 2f1 माइनस एन 1 माइनस बीटा माइनस एन, बस कॉन्सेप्ट आप समझना है बस। यहाँ से आप देखें तो ये तो फॉर्मूला बन गया आपका 1 अपॉन एल्फा सफिक्स एन का। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला खोलेंगे तो ये पूरा यदि आप ले लें एल्फा, इसको पूरा एल्फा मान लें तो क्या बन जाएगा, एल्फा प्लस बीटा माइनस एन सफिक्स 2n। ठीक है, और यहाँ से आपका डिवाइड में क्या पहुँच जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूला बनाना है तो इसका इसकी वैल्यू आप रख देंगे तो यहाँ पर गुणा में पहुँच जाएगा, नहीं पहुँच जाएगा, आप इसकी वैल्यू खोल रहे हैं है ना, तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब इसका इसकी बराबर आप क्या बना देंगे, यहाँ पर हम चलो एक बना कर दिखा दे रहे हैं आपको, यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा माइनस 1 सपेक्स 2n का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से एल्फा प्लस बीटा माइनस 1 और प्लस का 2n डिवाइड में एल्फा प्लस बीटा माइनस 1, ये बन जाएगा इतना। तो बस वही तो है, इसका वैल्यू रखना है तो इसको ये गुणा में चला जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका एल्फा प्लस बीटा माइनस 1 गामा। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए खोलेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से इसके लिए बन जाएगा एल्फा प्लस बीटा माइनस 1 सफिक्स में एन, और इसके लिए भी वही, ये पूरा एल्फा है ना तो इसके लिए भी वही गामा एल्फा प्लस बीटा माइनस 1, तो देख रहे हैं इससे ये कैंसिल हो गया, जब ये कैंसिल हो गया तो आपका फाइनल आंसर जो है वो आ गया है 2f1 माइनस एन 1 माइनस बीटा माइनस एन एल्फा 1 बराबर यहाँ से एल्फा प्लस बीटा माइनस 1 सफिक्स में 2n डिवाइड में एल्फा सफिक्स एन एल्फा प्लस बीटा माइनस सफिक्स एन। तो ये तो रहा हमारा सिंपल तरीका कि इस प्रकार से जो है आप लगा सकते हैं। अब एक और इसका तरीका जान लेते हैं, एक तरीका जो है वो इस प्रकार से है कि आप जो क्या करें, जो आपका जो गामा बन रहे हैं इन गामा का एक्सपेंशन कर दें। आप गामा का एक्सपेंशन का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे क्या होता है, यदि आपको एन प्लस वन होता मेन फॉर्मूला तो यही होता एन गामा एन होता है, जब इसको बार बार अप्लाई करते जाते हैं तो इस प्रकार से ये आता जाता है एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट डॉट 4 3 1 2 1, ये इस प्रकार से खुलता है जी आपका। तो इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, इन सब का फॉर्मूला खोल लेंगे तो आपका जो है दूसरा तरीका भी से भी हल हो जाएगा। तो देखेंगे कैसे क्या करेंगे, नाउ इसका सेकंड मेथड भी देख लेते हैं, सेकंड
मेथड। सेकेंड मेथड में आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया, आप किसकी बराबर सॉल्व कर रहे हैं, 2f1 माइनस का n, यहाँ से 1 माइनस बीटा माइनस n सेमी कॉलन एल्फा सेमी कॉलन 1, और यहाँ से आपका आ जाएगा बराबर, क्या हो जाएगा बराबर। फिर आपको यहाँ तक तो करना है, कितना बना था आपका फाइनल, यहाँ पर इतना बना था, तो इसको पहले लिख लीजिए आप एल्फा प्लस में एल्फा प्लस का एन, और यहाँ से आपका ये क्या बन गया आपका, इसको थोड़ा सेटअप कर लीजिए, एल्फा प्लस बीटा माइनस 1 प्लस का 2n, और यहाँ से डिवाइड में एल्फा प्लस बीटा माइनस 1 और यहाँ से प्लस का एन। ठीक है, इतना जी आ गया है। अब आपको क्या करना है, इनका सबका एक्सपेंशन कर लीजिए, और फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना कि वो इस प्रकार से आना चाहिए। तो इस प्रकार से फॉर्मूला बना लेंगे इन दोनों का। यदि इसका हम देखें तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले से यदि आप तैयार कर लें कि किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, तो इसे पहले से आप यदि प्लानिंग कर लेंगे क्या लाना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ से, यानी कि जो एल्फा प्लस बीटा माइनस 1 है तो पहला पद ये आएगा, फिर इसी प्रकार से एल्फा प्लस बीटा माइनस 1 प्लस 1, इसी प्रकार डॉट डॉट अगला पद एनवा पद क्या आ जाएगा, एल्फा प्लस बीटा माइनस 1 प्लस का 2n माइनस 1, ये बनेगा फॉर्मूला इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी कि ये आपको बनाना है इसी प्रकार से, इसके लिए इसी प्रकार सबके लिए बनाना है। तो देखेंगे हम इसको नेक्स्ट पेज पर। तो आपका था इक्वल में, वो था गामा एल्फा डिवाइड में गामा एल्फा प्लस एन, तो इसमें क्या करें, एक जोड़ दें और एक घटा दें, इसको तो ये छोटा है तो आप रहने दीजिए इसको, क्योंकि इसका फॉर्मूला आप जानते हैं सिंपली सीधा एक्सपेंशन, तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, और फिर था आपका एल्फा प्लस बीटा माइनस 1 और प्लस था 2n, इसमें हमने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला आपका ये बना इसके लिए, और इसी प्रकार से नीचे है जो वो माइनस 1 प्लस का n, इसमें भी एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। अब इसका एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एन प्लस 1 गामा बराबर एन गामा एन। ठीक है, तो इसको खोलेंगे, और एक और होता है एन प्लस 1 बराबर एन फैक्टोरियल, नहीं होता है तो फैक्टोरियल में भी खोल सकते हैं, चाहे जिसमें आप खोलना चाहें खोलें, हम गामा का एक्सपेंशन कर रहे हैं तो इसको आप ज्यों का त्यों लिखे रहिए, चाहे इसको भी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चाहे इसको हम साइड में खोल देते हैं, इसको क्या खोलेगा जी, यहाँ से एल्फा माइनस 1 एल्फा माइनस 2 एल्फा माइनस 3 डॉट डॉट कितना आ जाएगा, एल्फा यहाँ से 4 3 2 1, तो ये होता है आपका फॉर्मूला, नहीं होता है तो इस प्रकार से ये खोल लेंगे आप, इसी प्रकार से इसको खोलेंगे तो आपका आ जाएगा एल्फा प्लस बीटा माइनस 1 प्लस का 2n माइनस का 1, और गामा एल्फा प्लस बीटा माइनस 1 प्लस का 2n माइनस का 1, और इसी प्रकार से इसका खोलेंगे तो एल्फा प्लस एन माइनस का 1 गामा एल्फा प्लस एन माइनस का 1, इसी प्रकार से एल्फा प्लस बीटा माइनस 1 प्लस का एन माइनस 1 इस गामा एल्फा प्लस बीटा माइनस 1 प्लस का एन माइनस 1। तो देखा, जब आपने एक टाइम खोला तो इस प्रकार से आया, इसी प्रकार से खोलते जाएंगे सभी का, फिर से इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, तो इस प्रकार से जब आप इन जनरल करते जाएंगे यही प्रोसेस, तो देखेंगे क्या आता है, एल्फा प्लस बीटा माइनस 1 सॉरी प्लस का 2n माइनस 1, यहाँ से एल्फा प्लस बीटा माइनस 1 प्लस का 2n माइनस का 2, अब क्या हो जाएगा 2, इसी प्रकार से एल्फा प्लस बीटा माइनस का 1 और फिर हो जाएगा आपका प्लस का 2n माइनस का 3 डॉट डॉट। एक कंडीशन ऐसा आएगी कि वो आप n के मान कैसे ले सकते हैं, आप n का मान ऐसा लिख सकते हैं, एन अभी ले रहे हैं आप 1 2, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि माइनस एन हो जाएगी, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो माइनस 1 डॉट डॉट करके, फिर अगला पद ऐसा हो सकता है कि वो एक एन और आ जाए, यानी कि 2n तक पहुंच जाए या फिर 3n तक। अब गामा फंक्शन जरूरी नहीं कि वो एन तक ही रह करके सीमित हो जाए, वो और आगे भी जा सकता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करेंगे आप। तो यहाँ से आपका बन जाएगा एल्फा प्लस बीटा माइनस का 1 प्लस का 2n माइनस का एन, हमने एन पद तक खोल लिया, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो और आगे वाला पद क्या आएगा, एल्फा प्लस का बीटा माइनस का 1 इतना, और प्लस का यहाँ से 2n माइनस का एन माइनस का 1,
तो इस प्रकार से जाता चला जाएगा, डॉट डॉट इसी के आगे का है, ठीक है, डॉट डॉट यहाँ से एल्फा प्लस बीटा माइनस वन इतना बचेगा, यानी कि अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि एन के इक्वल ये भी हो जाएगा आपका जो वन है, तो इतना बच जाएगा। अब इसमें फिर से आप घटाएंगे, यानी कि फिर से इसको इसमें भी तो घट सकता है, यानी एल्फा प्लस बीटा माइनस टू इन जनरल डॉट डॉट क्या हो जाएगा, 4, 3, 2, 1, तो इस प्रकार से खोला जाता है। बस आपको धैर्य पूर्वक इनको लगाएंगे तो इस तरीका को लगाएंगे, नहीं तो आप जो पहला तरीका बताया हमने उसी को लगाइए, उसमें कैलकुलेशन भी नहीं है और आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप सभी खोलेंगे, समझ गए होंगे, अभी और करेंगे तो और समझ जाए आ जाएगा। देखिए इसको खोलेंगे तो एल्फा प्लस एन माइनस का वन, एल्फा प्लस एन माइनस का टू, एल्फा प्लस एन माइनस का थ्री और डॉट डॉट, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि एन के इक्वल हो जाएगा, तो यानी कि एल्फा प्लस एन माइनस का एन, अब एल्फा से हो सकता है घटे, अगला स्टेप भी तो बढ़ सकता है, तो एल्फा माइनस का वन, एल्फा माइनस का टू डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा, 4, 3, 1, ठीक है, इस प्रकार से जी आ गया। इसी प्रकार से आप नीचे वाले खोलेंगे, तो इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए, इसको मैं दूसरे पेन से आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको खोलेंगे तो एल्फा प्लस बीटा माइनस वन प्लस एन माइनस वन, ठीक है, इसी प्रकार से अगला एल्फा प्लस बीटा माइनस वन प्लस का एन माइनस टू डॉट डॉट, इन जनरल क्या आ जाएगा, हो सकता है कि वो एन के इक्वल हो जाए, यानी कि एल्फा प्लस बीटा माइनस वन प्लस का एन माइनस का एन इतना आ गया। अब इसमें से घटने लगे, हो सकता है एल्फा प्लस बीटा माइनस वन जी क्या है, माइनस वन माइनस वन, और अगला पद एल्फा प्लस बीटा माइनस कितना, वन माइनस का टू डॉट डॉट, 4, 3, 1, 2, 1, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपने एक्सपेंशन इनका खोल दिया सबका, अब देख लीजिए क्या कट रहा है क्या बच रहा है, ठीक है। तो देख रहे हैं जो गामा एल्फा का हमने एक्सपेंशन खोला तो जी आ रहा था, तो देख रहे हैं यहाँ से जो है आपका, यहाँ से ले लें तो जी जो है आप इससे जी गामा एल्फा कट गया, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए फॉर्मूला वही बन गया ना जो शुरू में बनाया था, ये कहाँ तक बन गया, यहाँ तक नहीं बन गया, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला भी हमने दिखाया तो यहाँ तक बन गया, तो ये बन गया आपका किसका फॉर्मूला, ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक बन गया आपका एल्फा, जी पूरा यदि एल्फा ले लें तो एल्फा प्लस बीटा माइनस वन सपेक्स में एन, ठीक है। अब बचा ये, अब ये तो आप देख रहे हैं सिंपली जो है यहाँ से ये पूरा, यहाँ से जो यहाँ पर था ये पूरा यहाँ कट गया, कितना बचा ओनली ये वाला, तो यहाँ से देखिए ये वाला फॉर्मूला बन गया आपका एल्फा सपेक्स एन का, आप देख रहे हैं ना यहाँ तक, ये तो इससे कट गया, एल्फा एल्फा प्लस वन उल्टा नहीं बन गया है, तो ये अब फॉर्मूला एल्फा सपेक्स एन का, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया आपका एल्फा प्लस बीटा माइनस वन, सॉरी यहाँ पर 2n, यहाँ पर एन की जगह पे क्या है 2n, तो एल्फा सपेक्स एन का, तो देख रहा है थोड़ा सा ये मेथड लॉन्ग है ना, तो आप जो अच्छा लगे यदि दोनों समझ में आ रहे तो आप कोई सा भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है खाली आपको सिंपली एक्सपेंशन इसका खोलना है, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो हमने क्या बताया है कि जो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस बनाया, यदि प्लस बनाता तो आप गॉस जो थ्योरम थी आप उसको अप्लाई कर सकते थे, वैसे भी ये जो आपका जो संबंध है जी कुमार थ्योरम बोली जाती है इसको, तो कुमार थ्योरम को हम इस प्रूव कर रहे हैं जी, क्वेश्चंस भी बन के आया हुआ है, तो देखिएगा तो यहाँ पर माइनस वन है, तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, जो जनरल अकॉर्डिंग फार्मूला होता है वो कौन सा, इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फॉर ए हाइपरजेमेट्रिक फंक्शन, तो उसका अप्लाई करेंगे और एक्स की जगह पर माइनस वन रख देंगे तो इसकी वैल्यू आप आसानी से निकल आएगी, तो क्या करेंगे हम यहाँ से बी नो डेट कर देंगे, बी नो डेट क्या हम जानते हैं, वाई इंटीग्रल इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन फॉर लिख दीजिएगा शॉर्ट में लिख रहे हैं हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ये आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एल्फा बीटा और यहाँ से गामा एक्स, ये होता है बराबर, ये फॉर्मूला होता है ये वाला फॉर्मूला, गामा गामा डिवाइड में गामा बीटा गामा, यहाँ से गामा माइनस का बीटा इंटीग्रेशन 0 से 1, यहाँ पर टी की पावर, यहाँ से बीटा माइनस का 1
और यहाँ से वन माइनस का टी गामा माइनस बीटा माइनस वन, और फिर होता है वन माइनस एक्स टी पे पावर माइनस का एल्फा डी टी, जी रहता है। तो अब आपको मान के यहाँ पर क्या चाहिए, आपको चाहिए माइनस वाली, नहीं चाहिए तो आप सब्सटीट्यूशन क्या करेंगे, एल्फा की जगह पे तो एल्फा है, बीटा की जगह पे बीटा है, लेकिन गामा की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, बीटा माइनस एल्फा प्लस वन सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। और साथ ही एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, माइनस वन, तो क्या कर देंगे सब्सटीट्यूटिंग, यहाँ पर पुटिंग कर देंगे, पुटिंग एक्स बराबर माइनस वन एंड एंड गामा इक्वल टू बीटा माइनस एल्फा प्लस वन, देन तब बी गेट हम क्या कर लेंगे, प्राप्त करेंगे, वो क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा इसकी वैल्यू, यानी कि एफ ऑफ क्या मिल जाएगा, एल्फा बीटा, यहाँ से बीटा माइनस का एल्फा प्लस वन, और इसमें एक्स की जगह पे इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए इन, यहाँ पर पुटिंग कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ से ये मिल जाएगा यहाँ पर माइनस का वन, ठीक है। बराबर फॉर्मूला क्या होता है, गामा की जगह पे क्या रखना है, ये वाला, यानी कि बीटा माइनस का एल्फा प्लस का वन, ठीक है। तो ये हो गया, इसी प्रकार से नीचे गामा बीटा, बीटा की जगह पे बीटा ही है, ठीक है, और एल्फा फिर क्या था, गामा माइनस बीटा, तो गामा कितना है आपका, ये है बीटा माइनस एल्फा प्लस वन, और इधर से माइनस का बीटा, ठीक है। इंटीग्रेशन जीरो से वन, ठीक है, जीरो से वन टी की पावर बीटा माइनस वन, क्योंकि बीटा की हम चेंज किस में कर रहे हैं, ओनली गामा और एक्स में कर रहे हैं, ठीक है। तो वन माइनस का टी, और गामा, गामा की जगह पे क्या वैल्यू रखनी है, बीटा माइनस एल्फा प्लस का वन, और माइनस का बीटा माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ से वन नहीं हो जाएगा, और फिर आगे आगे हो जाएगा वन माइनस एक्स की जगह पे प्लस वन, यानी वन प्लस का टी, फिर कितना हो जाएगा एल्फा माइनस का एल्फा डी टी। अब आपको इतना सॉल्व करना है, इतना सॉल्व करना, मैंने गॉस थ्योरम भी इसी टाइप से आपको प्रूफ कराई है, नहीं कराई है, तो बीटा माइनस एल्फा प्लस वन, और यहाँ से गामा बीटा माइनस एल्फा प्लस का वन, ठीक है, इतना आ जाएगा, और माइनस बीटा ये इतना आ गया, जीरो से टी, यहाँ से आपका टी बीटा माइनस वन, और इसमें थोड़ी देख रहे हैं इससे जी कट जाएगा, वन से वन कट जाएगा, कितना आ जाएगा वन माइनस टी की पावर माइनस एल्फा, यहाँ से वन प्लस टी की पावर माइनस एल्फा और डी टी। थोड़ा इसको और सेपरेट करेंगे तो बीटा माइनस एल्फा प्लस वन डिवाइड में गामा बीटा, गामा बीटा माइनस एल्फा प्लस वन माइनस का बीटा, अब देख रहे हैं कि इसमें कट भी जा रहा है, इसको हम कट भी कर देंगे अगले स्टेप में, ठीक है। जीरो से टी, टी की पावर बी, सॉरी यहाँ पर वन है, लिमिट का ध्यान दें वन है, ठीक है, टी की पावर बीटा माइनस वन, और यहाँ से आपका था वन माइनस टी माइनस एल्फा था, तो यहाँ से आप क्या करेंगे इसमें रखेंगे, तो देख रहे हैं वर्गांतराल बन जाएगा वन माइनस का टी स्क्वायर पर पावर माइनस एल्फा डी टी, इतना आ जाएगा। इतना आ जाने के पश्चात आप क्या करेंगे, बस इसको थोड़ा सेपरेट करने के लिए आप सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा कुछ, तो बीटा माइनस एल्फा प्लस वन गामा बीटा, गामा बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, हो गया आपका, तो यहाँ पर क्या बचा वन माइनस का एल्फा, इंटीग्रेशन जीरो से वन टी की पावर बीटा माइनस वन, वन माइनस टी स्क्वायर पावर माइनस एल्फा डी टी, इतना तो आ गया होगा समझ में आपको, क्या किया हमने, सबसे पहले इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन का हमने फॉर्मूला लिया, फिर लिया हमने गामा बराबर बीटा माइनस एल्फा माइनस प्लस वन रखा, तो हमने ये संबंध प्राप्त कर लिया, फिर इसमें थोड़ा हमने पावर्स को सेपरेट किया, तो इस प्रकार से जितना आ गया। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, अब इंटीग्रेशन यदि नहीं करते बना तो बीटा फंक्शन फिर से बनाइए, अभी तो बीटा फंक्शन बना नहीं, बीटा फंक्शन की फॉर्म क्या होती है, उसमें टी वन माइनस टी होना चाहिए, यहाँ पर टी स्क्वायर, तो क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आगे हम पुट कर देंगे, नाउ पुटिंग टी स्क्वायर इक्वल टू यू,
इसका थोड़ा डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 t dt बराबर डी यू। अब टी की वैल्यू यहाँ से आएगी रूट रूट यू, ये नहीं आएगी, तो डी टी बराबर आ जाएगा आपका डी यू डिवाइड में 2 √u। ये मान अब लिमिट भी आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इफ़ यदि आपके पास टी बराबर 0 था तो यू का मान भी 0 मिलेगा, और यदि टी बराबर 1 है आपकी लिमिट तो यू बराबर भी क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगी। तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एल्फा बीटा सेमी कॉलन बीटा माइनस एल्फा प्लस 1 सेमी कॉलन माइनस 1 बराबर यहाँ पे आ जाएगा बीटा माइनस एल्फा प्लस 1, यहाँ से गामा बीटा ठीक है, फिर 1 माइनस एल्फा, यहाँ से 0 से 1, और टी की जगह पे क्या रख रहे हैं आप, टी की जगह पे रख रहे हैं रूट म्यू, यहाँ पर रख देंगे म्यू, और रूट का मतलब 1/2 पावर नहीं नहीं होती है, यानी कि बीटा माइनस 1/2, और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस का यू माइनस का एल्फा डी टी बटे सॉरी डी यू बटे कितना हो जाएगा, 2 √ कितना है जी, म्यू नहीं है सॉरी यू। अब थोड़ा सा और आपको प्रयास करना है, आगे बढ़ाना है, तो बीटा माइनस एल्फा प्लस 1, यहाँ से गामा बीटा 1 माइनस का एल्फा, और यहाँ से आप देखें 0 से 1, और आप यहाँ पर ये म्यू आपका ये भी है और एक सॉरी यू ये भी है, तो यू और जी जाएगी ऊपर पावर हो जाएगी, यानी बीटा माइनस 1/2 माइनस का 1/2, और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस का यू पे पावर माइनस एल्फा, और यहाँ से बस हो जाएगा dt/2, नहीं हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब आपका इतना आ गया, अब इतना आ जाने के पश्चात थोड़ा सा और आपको यहाँ पर सेपरेट करना, आप यहाँ से आपको एक फंक्शन आपको पता ही होगा बीटा फंक्शन क्या होता है, तो बीटा फंक्शन आप अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंस चूंकि इंटीग्रेशन 0 से 1 और यहाँ पर टी की पावर एन माइनस 1 1 माइनस का टी पे पावर m-1 dt। अब चूंकि बीटा फंक्शन जो होता है वो सिमेट्री रख रहा होता है, तो आप चाहे पावर एम यहाँ रख दीजिए चाहे वहाँ, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ से आप क्या इसका फॉर्मूला जानते हैं जी, किसका फॉर्मूला बनता है, बीटा एम एन का, और इसका फॉर्मूला जानते हैं गामा में रिलेशन क्या होता है, ये वाला होता है नहीं होता है एम प्लस एन। लेकिन अब पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एन माइनस वन के फॉर्म में सेट करना पड़ेगा, अभी चूंकि यहाँ एल्फा है तो क्या करेंगे थोड़ा सा इसमें सेट प्लानिंग कर लेंगे, बीटा माइनस एल्फा प्लस 1, और ये 2 है जो आप आगे ले आइए गामा बीटा, और यहाँ से 1 माइनस का एल्फा ठीक है। अब इंटीग्रेशन 0 से 1 इसमें इसको घटा दीजिए, तो यहाँ से बन जाएगा कितना, beta/2 यानी u की पावर beta/2 -1, इतना बन जाएगा। इसी प्रकार से 1 माइनस का u, तो इसमें 1 जोड़ देंगे 1 घटा देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 dt, इतना आ जाएगा ठीक है। इतना आ जाने के पश्चात अब इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, तो बन जाएगा beta-alpha+1, यहाँ से 2 γ β, और यहाँ से 1 माइनस का एल्फा। अब यहाँ से आप इन दोनों में अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा बीटा इतना आ जाएगा, एम की जगह पे कितना है 1 माइनस एल्फा, और डिवाइड में आपका दोनों का योगफल यानी बीटा डिवाइड में 2 + 1 - α। अब देख लीजिए आपको प्रूफ करना क्या है, तो देखिए प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आ गया, इसको खोलेंगे तो पहले से आप देख चेक कर लीजिए क्या लाना है, इसको आप खोलेंगे तो क्या आएगा, beta/2 γ β/2। तो देखिए यहाँ पर β/2 तो है बीटा, लेकिन आपको चाहिए β + β/2 + 1, तो क्या करना पड़ेगा, β/2 से गुणा भाग करना पड़ेगा है ना, तभी तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि ये आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करें, अंश बटे अंश और हर में क्या कर लेंगे आप, जो है बीटा से 2 तो ऑलरेडी आपको मिल ही गया है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं β-α+1, और यहाँ से आप बीटा इसमें गुणा कर दें नीचे, और ये तो देख रहे हैं कट ही गया इससे, नहीं कट गया, यहाँ से β/2 + 1 - α, और इसमें आप ये 2 है वो आप यहाँ ले जाइए, और बीटा से आप
क्योंकि गुणा कर रहे हैं, गामा बीटा बटे दो। आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला काय का बन गया और ये भी फॉर्मूला बन गया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं बीटा माइनस एल्फा प्लस वन, और यहाँ से आपका ये जो सिंपली है ये फॉर्मूला बन गया बीटा बटे दो प्लस का वन, और ये फॉर्मूला बन गया आपका गामा बीटा प्लस का वन, और ये फॉर्मूला ये तो आपका जो कहते हो बीटा प्लस वन माइनस का एल्फा। तो देखिएगा वही आपका जो प्रूफ करना था वो इस प्रकार से आ गया। यदि आप सिस्टमेटिक तरीका से लगाएंगे तो आप आसानी से जो कुमर थ्योरम है उसको प्रूफ कर सकते हैं। आइए आप देख लेते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, यही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है इस वीडियो में, सबसे अच्छा क्वेश्चंस हमें यही लगता है। तो देखिएगा इस क्वेश्चंस में करना क्या है आपको, सिंपली आपको देख रहे हैं यहाँ वन है तो आप सिंपली जो अप्लाई कर देंगे वो क्या कर देंगे, गॉस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे, वाई गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम इसका हमने प्रूफ भी कराया है। या फिर यदि आप नहीं आती, आपको गॉसेस थ्योरम नहीं है, जैसा भी हमने कुमर रिलेशन कराया उसमें इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करिए, और वहाँ से आप जो सिंपली जो है एक्स बराबर वन रख दीजिए, और ये एल्फा बराबर ये बीटा बराबर ये, इस प्रकार से आप जो सिंपली जो जिस प्रकार से आपने कुमर थ्योरम अभी से क्वेश्चन सेकंड किया वैसे ही आप निकाल लेंगे। लेकिन यदि आपको गॉस थ्योरम याद है तो आप वही लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं एफ ऑफ एल्फा बीटा गामा वन बराबर क्या होती है, गामा गामा माइनस बीटा माइनस एल्फा डिवाइड में गामा माइनस एल्फा गामा माइनस बीटा, तो ये होती है। तो आप क्या करना पड़ेगा आपको, ये सभी मान जो हैं इस प्रकार इसमें सब्सिट्यूट कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 2f1 यहाँ से माइनस का एन वाई टू, माइनस का एन वाई टू प्लस का वन वाई टू बी प्लस का वन वाई टू यहाँ से वन बराबर, यहाँ से अप्लाई करेंगे तो गामा की जगह पे क्या है गामा बी प्लस वन बाई टू, इसी प्रकार से यहाँ पर बी प्लस वन बाई टू और प्लस का एन वाई टू, प्लस का एन वाई टू माइनस का वन बाई टू और डिवाइड में इसी प्रकार से डिवाइड में गामा बी प्लस वन बाई टू एल्फा की जगह पे प्लस एन वाई टू, इसी प्रकार से आपका आ जाएगा बी प्लस वन बाई टू माइनस का एन वाई टू प्लस माइनस सॉरी ये प्लस का हो जाएगा जी माइनस का, ठीक है जी। आपने खोल लिया सिंपली, अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको थोड़ा और आप सेट कर लीजिए, पी प्लस वन बाई टू बी प्लस एन डिवाइड में कितना बी प्लस एन बाई टू प्लस वन बाई टू इक्वल टू यहाँ से सॉरी बी प्लस एन वाई टू, जी आपका इतना आ गया। अब आपको करना क्या है, इन सभी गामाज को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको यानी चार करेंगे, वो आप जानते हैं एक गामा को खोलने में कितना समय लगता, काफ़ी बड़ा हो जाता है ना। तो क्या करेंगे इसमें, तो हम डुप्लीकेशन फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें बन भी रहा है। डुप्लीकेशन फॉर्मूला क्या होता है इसका मैंने प्रूफ कराया है, वो यदि आपने नहीं देखा तो वो भी स्पेशल फंक्शन जिसके सिलेबस में वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप ऊपर आपको आई वाले बटन पर उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। और इसका भी हम इसको अलग अलग निकाल लेते हैं और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पेज देख रहे हैं छोटा है और जगह काफ़ी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसकी, फिर इसकी, इसको तो आप फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, आप फॉर्मूला भी पढ़ कर आए हैं, एल्फा प्लस एन गामा बराबर क्या होता है, एल्फा सापेक्ष एन नहीं होता है और गामा एल्फा ये होता है, तो ये अप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से पहले इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ से गामा बी प्लस वन बाई टू, बस कॉन्सेप्ट यही है आपका, एन प्लस वन लिखा है तो गामा एन गामा बनता है ना, तो यही है। तो यहाँ से आपका इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें हमने सपोज क्या किया, बी प्लस वन बाई टू में माइनस वन जोड़ दिया और एक प्लस वन, तो वही फॉर्म बन गई, ये पूरा एन हो गया। तो इसको आप तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा इसको कोष्टक जी लगाएंगे तो बी माइनस एक बटे दो, और गामा कितना बन जाएगा बी माइनस एक बटे दो, फिर से तोड़ेंगे तो इस प्रकार से इन जनरल तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आप इन जनरल तोड़ेंगे तो बी माइनस का एक बटे दो और बी माइनस का थ्री बटे दो डॉट डॉट
इसी प्रकार देख रहे हैं विषम पद आ रहे हैं। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब आपका बी प्लस वन बाई टू था, इसमें वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से सिंपली बी प्लस वन बाई टू, यानी कि इस प्रकार से बढ़ेगी, ऐसा ऐसी वैल्यू बढ़ सकती है ना। तो ये सॉरी, ये ब्रैकेट इसी में है, इसमें नहीं है, ठीक है, ये हो गया। या हो सकता है बी प्लस वन बाई टू एक वैल्यू जाए तो हो सकता है कि वो बी के इक्वल भी हो जाए, ठीक है, इस प्रकार से जी जाए। अब देखिए यहाँ पर माइनस बी है, यहाँ पर क्या है माइनस बी, और माइनस बी में कुछ जोड़ रहे, तो यानी ये इसी का अगला पद है, ये फिर छोटा है क्योंकि माइनस बी है ना। आप जैसे आपको हम कहें चार लिखा है, चार में कुछ जोड़ दें, पाँच है माइनस चार में कुछ जोड़ दें तो बड़ा आएगा, और फिर इसको हटा दें तो ये छोटा हो जाएगा, यानी कि फिर ये इस प्रकार से ये प्रगति कर रहा है, ठीक है। फिर अब देख रहे हैं यहाँ से जी आ गए, अब लास्ट स्टेज पर क्या आता है फॉर्मूला, एन गामा जी आता है, तो लास्ट स्टेज पर आपका क्या हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्योंकि क्योंकि वन बाई टू का आप एक्सपेंशन आगे नहीं कर सकते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। तो आप देखिएगा यहाँ से टू यहाँ से कॉमन कर लें, टू यहाँ से, इसी प्रकार से पद कितने आपके बी, तो बी पद करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, कॉमन करेंगे तो टू की पावर बी, तो यहाँ से पद क्या मिलेंगे, टू बी माइनस वन, टू बी माइनस थ्री, इसी प्रकार से डॉट डॉट, यहाँ पर देखिए बी से बी कैंसिल, तो यहाँ से आपका सॉरी यहाँ पर वन वन आएगा, क्योंकि कभी भी पावर जो आप ले रहे हैं बी, अगला पद क्या लेते थे आप, अब पद आप कौन सा लेते थे, जैसे एन तक आपने शिफ्ट कर दिए थे तो फिर स्टार्ट कर देते थे वन से, यही तो करते थे, तो वही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आपने किया तो 3/2 और भी पद आएंगे, यानी यहीं से पता चल रहा है कि विषम पद चलना है आपको, ये तो हम प्रूफ करा दिया, नहीं तो आप सीधे फॉर्मूला इसका रख देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से 5 3 1, और ये तो रही आपकी इन सब के मान, और जी रूट वन बाई गामा वन बाई टू का मान कितना होता है, ये होता है अंडर रूट पाई, ठीक है। तो ये आपने निकाल लिया बी प्लस वन बाई टू का मान, ठीक है, इसी प्रकार से आप निकालिए इनका। अब इनका अलग अलग निकालेंगे तो काफ़ी बढ़ जाएगा, क्या करेंगे हम इसमें डुप्लीकेशन फॉर्मूला लगा देंगे, तो लगाते हैं। तो इसमें हम जानते हैं बी नो डेट डुप्लीकेशन फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, गामा जेड, इसका मैंने प्रूफ भी कराया, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। गॉस मल्टीप्लीकेशन थ्योरम भी मैंने प्रूफ कराई है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2z-1 यहाँ से गामा 2z, तो ये होता है जहाँ पर m का मान सॉरी z का मान ग्रेटर 0 होता है, ठीक है। तो जी कराया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए b प्लस वन वाई टू प्लस एन वाई टू गामा b प्लस एन वाई टू की, नहीं चाहिए। अब इसमें देख रहे हैं ये पूरा यदि z मान लें तो आपको देखें इस प्रकार से आ जाएगा b प्लस एन वाई टू, और यहाँ से इसको आगे लिखें तो क्या हो जाएगा, बी प्लस एन वाई टू प्लस का वन वाई टू। देखें यदि इसको पूरा जेड मान लें तो देख रहे हैं वही फॉर्म बन गई, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसके अकॉर्डिंग खोलेंगे तो रूट पाई डिवाइड में यहाँ पर रखेंगे 2z, जेड की जगह पे इतना, तो हम सीधे गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2b प्लस का कितना बन जाएगा, 2b प्लस का एन माइनस का वन, और यहाँ से बन जाएगा 2b प्लस का एन। अब इसका एक्सपेंशन आप आसानी से कर सकते हैं, यदि दो का करते तो काफ़ी बढ़ जाता सवाल, तो क्या करेंगे हम ये जो बराबर है, वैसे लिखना चाहिए सीधे में बराबर, लेकिन क्या करेंगे हम इस बराबर को यहाँ से लगा रहे हैं क्योंकि जगह हमें चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो यहाँ से लिखेंगे अंडर रूट पाई 2 की पावर 2b प्लस वन माइनस का वन, फिर इसका एक्सपेंशन खोलेंगे, तो इसका एक्सपेंशन आपको वैसे ही खोलना है तो कैसा खोलेगा, 2b प्लस का n माइनस का 1, इसी प्रकार से अगला पर 2b प्लस का n माइनस का 2 डॉट डॉट, अगला पर ऐसा आएगा कि वो n के इक्वल हो जाएगा, यानी कि n, फिर डॉट डॉट, अब ऐसा इसका अगला क्या होगा, b में से घटने लगेगा आगे, 2b-1 2b-2 2b-3 डॉट डॉट, क्या हो जाएगा, एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी इस प्रकार से जी मान हो जाएंगे 4 3 1, क्योंकि 4 3 1 क्यों हो जाएंगे, क्योंकि और उसमें 5 3 1 विषम आ रहे थे, तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं लाना, क्योंकि यहाँ पर देख रहे थे स्पष्ट पता चल रहा है कि विषम आए, क्योंकि ये घटता जाएगा, कितना
कितनी बेर रखेंगे सभी में विषम आएगा। और यहाँ से देखिए, यहाँ पर स्पष्ट पता चल रहा है कि दो भी घट रहा है, यानी कि सम भी आएंगे कुछ पद, है ना। तो इस प्रकार से ये ठीक है, अब तो है नहीं है तो हम ये बटे फालतू लगा रहे हैं, इतना हो गया। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि आप देखें यहाँ पर आपका फॉर्मूला, चलो रहने दीजिए, आपको इतना जी मान ये आ गया। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, अब आपको वैल्यू चाहिए किसकी, इसकी। अब इसकी वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं, सेंस चूंकि नाव लगा दीजिए, नाव अब गामा किसका, बी प्लस एन की। तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, पूछ हम सिम्बल के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी सफेक्स एन गामा बी। ठीक है, ये बन जाएगा किससे, बाई पोछांबा सिंबल क्या होता है, एल्फा सफेक्स, ये बराबर होता है एल्फा सफेक्स एन गामा एल्फा। इसके अकॉर्डिंग आपने ये फॉर्मूला, ये सभी मान क्या कह देंगे, रख देंगे, हम देख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट से, तो सभी मान आप उसमें रख देंगे तो फ्रॉम फर्स्ट से क्या बन जाएगा, रखेंगे और देखेंगे। तो यहाँ से एफ 21 माइनस का एन वाई टू माइनस एन वाई टू प्लस वन वाई टू बी प्लस वन वाई टू वन बराबर। अब पहला क्या था, पहले आपका था गामा बी प्लस वन वाई टू, और इसका मान आपने क्या निकाला, टू बी माइनस वन टू बी माइनस थ्री डॉट डॉट पाँच तीन एक, ठीक है, और अंडर रूट पाई, और डिवाइड में क्या आया था, टू की पावर बी। दिया गया किसका, दिया गया उसका। ठीक है, अब था आपका गामा बी प्लस एन, तो बी प्लस एन का रखिए, तो बी प्लस एन का रखेंगे तो कितना रहा, बी सफेक्स एन और यहाँ से गामा बी जी रख दिया। अब डिवाइड में, डिवाइड में आपको इतना था, ये वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ से रखेंगे तो अंडर रूट पाई डिवाइड में टू बी प्लस का एन माइनस का वन। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, टू बी प्लस का एन माइनस वन टू बी प्लस का एन माइनस टू, और फिर इसको आप क्या करें, डॉट डॉट टू बी आएगा, ये एन से एन कैंसिल, और फिर आपका इसको थोड़ा अलग कर लीजिए, ठीक, और विषम पद अलग कर लीजिए, किसके लिए, इसके लिए विषम पद अलग करेंगे तो टू बी माइनस वन, और इसी प्रकार से टू बी माइनस थ्री डॉट डॉट कितना पाँच तीन दो सॉरी एक। ठीक है, इसी प्रकार से आपके सम पद आएंगे, इसी में ये सम पद भी तो मिले, तो यहाँ से टू बी माइनस का टू टू बी माइनस का फोर, इसी प्रकार से डॉट डॉट कितना हो जाएगा फोर टू वन, ठीक कितना हो जाएगा, समझ गए होंगे हमने क्या किया, इस पूरे को अलग अलग कर लिए सभी पद। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको देखना जी फॉर्मूला किसका बन गया है, आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, एल्फा सफेक्स एन का क्या होता है, एल्फा एल्फा प्लस वन डॉट डॉट एल्फा प्लस एन माइनस वन। अब समझिए यहाँ पर जो मैंने कहा था ना वहाँ पर कि टू बी ये आएगा, टू बी सफेक्स एन आएगा, देखें यहाँ से स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर एन आया है, और वहाँ पर आप जो क्वेश्चन उसमें दिया था उसमें क्या आ रहा था, बी सपेक्स में टू एन, तो यहाँ पर टू एन होना चाहिए, जबकि आया क्या है टू बी आया है, तो यही इस रीज़न था, इसी में मुझे टाइम लग गया थोड़ा इसको डिस्कस करने में, क्योंकि मुझे पूरा जब कंफर्म हो जाता तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, तभी ये आपको शेयर करता हूँ वीडियो, है ना। तो ठीक है, तो ये आ गया, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया जो आपको चाहिए था, तो ये इससे देख रहे हैं ये वाला जो है इससे ये पूरा ये रूट पाई से ये कट जाएगा, और टू बी अभी देख रहे हैं बी है, अभी ये बी सफेक्स एन, तो देख लीजिए क्या बचा है यहाँ से, तो पहले तो वो लिख लीजिए बी सफेक्स एन गामा बी, और फिर ये ऊपर चली जाएगी पावर, यानी टू की पावर टू बी प्लस का एन माइनस वन, और यहाँ से टू की पावर वी। ठीक है, अब देख लीजिए क्या बचा, ये फॉर्मूला काय का बन गया आपका, ये बन गया है टू वी सफेक्स में एन का। अब यहाँ पर इतना बचा, तो देखिए एक पद आपका बी वाला यहाँ चला गया, टोटल पद कितनी है आपकी, टू वी पद हैं, टोटल पद कितनी है टू वी, टोटल पद टू वी है। अब एन पद आपके विषम में चले गए, और एन पद जो है आपके सम में आ जाएंगे। अब देखिए एन
एन एन आपके यहाँ पर हो जाएंगे विषम में, और एन हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पर बी है, बी हो जाएंगे सम में और बी हो जाएंगे विषम में। अब चूंकि एक सम में आपका ये पद चला गया तो यहाँ पर क्या बचेंगे, ओनली बी, बी माइनस वन बचेंगे। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएंगे पद, यहाँ से टू कॉमन कीजिए, इससे टू करेंगे, इससे टू करेंगे, इससे टू करेंगे, जब टू का बी माइनस वन बार पद वो होगा क्या हो जाएगा, टू की पावर बी माइनस वन, और यहाँ पर जब कॉमन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, बी माइनस वन बनेगा, यहाँ पर बी माइनस टू बनेगा, इसी प्रकार से डॉट डॉट, यहाँ पर टू हो जाएगा, यहाँ पर वन हो जाएगा, और भी अगले होंगे तो वहाँ फोर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला काय का बन गया, गामा बी का। तो इससे ये इससे कैंसिल। अब इसमें देख लीजिए, यहाँ पर ये टू बी माइनस वन, टू बी माइनस वन कट जाएंगे, क्या बचेगा, ओनली टू की पावर एन, और यहाँ पर बी सपेक्स एन, और डिवाइड में टू बी सपेक्स एन। तो यही आपको क्या करना था, यही प्रूव करना था। तो आशा करता हूँ कि आप जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, इस क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं BSc और MSc के वीडियोज़ प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद डियर फ्रेंड्स।